या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। अच्छा वसीम साहब का सवाल ये है कि बिल्ली के बच्चे की विलादत के वक्त बताए इन्होंने कुछ अजीब सा नाम उसका होता है, तो लोगों के अंदर ये मशहूर है कि जब बिल्ली जो है ना वो बच्चा देती है तो उसके साथ में कोई ऐसी चीज़ निकलती है कि उसको अगर आप उठा के रख लेंगे अपनी दौलत के अंदर तो उससे जो है ना दौलत बढ़ जाती है, और ये बचपन में काफ़ी सुना था कि ऐसा होता है। अब ये नहीं पता कि आज तक वो किसी को मिली भी या नहीं मिली या सिर्फ लोगों के अंदर ये अफवाह ही है। तो ऐसी बात है कि जिनका एक तो पाया जाना भी बड़ा मुश्किल है, लोगों के अंदर अगर मशहूर कर दिया तो उसकी तहकीक भी नहीं हो सकती जल्दी। मिसाल के तौर पर अगर कोई अभी अफवाह उड़ा दे कि डायनासोर के पैर की मिट्टी अगर मिल जाए तो आदमी करोड़पति बन जाएगा, तो ना तो वो किसी को मिलनी है, ना तो बंदा उसको कोई जज कर सकता, ना उसको कोई वेरीफाई कर सकता। तो इस किस्म की बातें हैं कि बिल्ली के बच्चे की विलादत के टाइम जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही कोई ऐसी चीज़ भी निकलती है कि जिसको आप अगर रख लेंगे पैसों में तो पैसे डबल हो जाएंगे। तो असल में ये कोई हकीकत गालिबन नहीं है, जहालत वरी बातें लोगों के अंदर कम इल्मी। दूसरी बात ये है कि उसको अपने साथ रखने का जिस तरह आपने सवाल में ज़िक्र किया तो एक किस्म से वो नजासत गलीज़ा ही होगा और वो एक किस्म से गंदगी ही होगी। तो गंदगी को अपने साथ रखना या रख कर कपड़े में लपेट कर या किसी भी तरीके से अपने साथ रखना और नमाज़ पढ़ना ख़ास तौर से नजासत गलीज़ा वाली चीज़ को, तो ये तो कपड़े को भी नापाक कर देगी। अगर जेब वगैरह में आप रखेंगे ज़ाहिर है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड ब्लडिंग वगैरह ज़रूर होगी तो वो जेब को भी नापाक कर देगी, और इसी तरीके से उसको अपने जेब में रख कर नमाज़ पढ़ना ये भी नाजायज़ होगा। तो ये कम इल्मी और जहालत की बात है कि उसको अपने साथ अगर रख लें तो पैसा उसमें डबल हो जाएगा या माल दौलत बढ़ जाएगा। उसके लिए दूसरे ज़िक्र वज़ाइफ हैं और दूसरे तरीक़ेकार जायज़ तरीक़ेकार हैं दूसरे जो किए जा सकते हैं और तंग दस्ती को दूर करने के लिए, लेकिन इस किस्म के वहमों गलत फहमियों के अंदर जो है ना नहीं पढ़ना चाहिए। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.smswarsi.com पर और अपनी दीनो दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।